हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th के बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के IUPAC नामेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल एक नए क्वेश्चन बन जाता है। IUPAC नेमिंग दे देगा, उसका हमको नामेनक्लेचर करना रहेगा किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सबसे पहले मतलब जानेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहते हैं? Those compounds are, which are complexes, are called as coordination compound. क्या बोलेंगे? Coordination compound. Coordination compound. सबसे पहले coordination compound कौन से ब्लॉक के तत्व, कौन से ब्लॉक के एलिमेंट बनाते हैं, ये भी जानना जरूरी है। और coordination compound की बात करें तो सबसे पहले E ब्लॉक और D ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, यही हमेशा किसका फॉर्मेशन करते हैं? दीज आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो होते हैं, तीन चार कंपोनेंट पाए जाते हैं। जैसे एक फर्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल लेते हैं, A4 FeCN का होल 6। अगर हम K4 FeCN का होल 6, ये आपका नॉर्मली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब हिंदी में बोलते हैं उपसहसंयोजक यौगिक। अगर K4 FeCN का होल 6 की बात करें तो, अगर इसके नामेनक्लेचर की बात करें तो क्या होगा? सबसे पहली बात, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे पहचानेंगे? हमेशा जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, ये किस में दिए रहेगा? ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, जहाँ पे जो देख रहे हैं ये क्या है, दीज आर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। और इधर की तरफ जो देख रहे हैं K4 है, ये क्या है? काउंटर आयन है। क्या है? काउंटर आयन, CoUntrion, काउंटर आयन। और इधर की तरफ ये देख रहे हैं जो, ये क्या है? सेंट्रल मेटल एटम। ये सेंट्रल मेटल एटम है। और यहाँ पे ये जो है, ये क्या है? लिंगेट्स। क्या है? लिंगेंड्स। लिंगेट जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। इसका भूमिका यह होता है, सबसे पहले अगर हम नामेनक्लेचर का रोल देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, सबसे पहले हम अगर हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमारा काउंटर आयन दिया रहेगा, तब तो काउंटर आयन का नामेनक्लेचर करेंगे। अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में काउंटर आयन नहीं रहेगा तो सब किसका नामेनक्लेचर करेंगे? लिगेट्स का नाम करेंगे। अब लिगेट्स का नामेनक्लेचर करने के बाद तब जाके हम किसका नामेनक्लेचर करते हैं? सेंट्रल मेटल एटम का नामेनक्लेचर करते हैं। यानी यहाँ पे सेंट्रल मेटल कौन है? आयरन है। अगर इसकी नामेनक्लेचर की बात करें तो K4 FeCN का होल 6। और K4 FeCN का होल 6 में अभी हमने बताया क्या है? लिंगेट्स है। ये क्या है? सेंट्रल मेटल एटम है। उधर बाहरी तरफ क्या है? काउंटर आयन है। पहली बात, लिंगेट्स किसे कहते हैं ये भी जानना जरूरी है। लिंगेट्स मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसे पाए जाते हैं उसे लिंगेट्स कहते हैं। हम शॉर्टकटरी फाइनली हम डिस्कस करने जा रहे हैं नामेनक्लेचर के बारे में, क्योंकि अपने पास टाइम कम है। नामेनक्लेचर की बात करें तो सबसे पहले जैसे K4 FeCN के होल 6 के बारे में, इसमें K4 FeCN के होल 6, सबसे पहले हम यहाँ पे दिया गया है हमारा बाहर की तरफ काउंटर आयन, काउंटर आयन का नाम लिखेंगे। काउंटर आयन यानी पोटेशियम हेक्सा। देख रहे हैं लिंगेट हेक्सा है, छा है ना, हेक्सा यानी क्या जुड़ा है? साइनो हेक्सा साइनो। इधर की तरफ आयरन है, यानी हेक्सा साइनो फेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगा, यानी सेकेंड। एग्जासाइनोफेरेट सेकंड इसका क्या हुआ? नामेनक्लेचर हुआ। ऑक्सीडेशन कैसे निकालते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे देख रहे हैं, इसका +4 हो जाएगा ना। यहाँ पे आयरन का निकालना है, इसका एक्स मान लेंगे और इसका क्या होगा? +6। यानी कि इधर आएगा तो एक्स बराबर क्या होगा? 6 - 4 = x = +2। आपका क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर होगा। हमेशा इस नामेनक्लेचर, जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम नामेनक्लेचर करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन अंक में लिखा जाता है। ये बहुत की पॉइंट है, हमेशा इसको क्या कहाँ पे लिखे, कैसे लिखेंगे? रोमन अंक में लिखेंगे। अगर इसको रोमन अंक में नहीं लिखते हैं तो क्या होगा? आपका नामेनक्लेचर गलत माना जाएगा। इस वजह से हमने क्या करा, इसका IUPAC नेमिंग करा। कैसे करा? काउंटर आयन था, काउंटर आयन के लिए पोटेशियम लगाया। फाइनली क्या रहा? लिंगेट था, लिंगेट में 6 जुड़ा था, होल 6। यानी कि लिंगेट हमारा क्या था? साइनाइड था, यानी कि हेक्सा छा था, हेक्सा साइनो फेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर सेकेंड, हेक्सा साइनो फेरेट सेकेंड क्या हुआ? इसका नामेनक्लेचर हुआ। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, इसके बाद हम बहुत सारे एग्जाम्पल अभी कवरअप करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले सभी एग्जाम्पल हैं। बुक में दिया गया है, देख लेते हैं।
बहुत सारे एग्जांपल हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, जो कि जहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का रूल जानेंगे सबसे पहले, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आपके सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है इनामल केचर के लिए क्या कौन सा रूल अप्लाई करते हैं। अगर मान लो हम एक सिंपल सा प्रॉब्लम दे रहे हैं, इसको करते रहिए तब भी हम देखते हैं, जैसे के फोर एफ सी एन का होल सिक्स था, यहीं पे हम लगा दे रहे हैं के थ्री एफ सी एन का होल सिक्स, इसको करिए जी। और सिंपल प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं, जहाँ पे दिया गया है CO NH3 का होल सिक्स सी एन थ्री, CO NH3 का होल सिक्स, और उसके बाद क्या है होल सिक्स Cl3 ना, Cl3। यानी कि यहाँ पे हमने दिया था एक सिंपल प्रॉब्लम, आप लोग आई होप आप लोग कर लिए होंगे इसको ना, इसको मिटा दें, यहाँ पे देख ले सेम वही है हेक्सासाइनोफेरेट पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा निकाल लो, वही ऑक्सीडेशन नंबर में थोड़ा परिवर्तन होगा, यहाँ पे प्लस फोर, यहाँ पे प्लस थ्री होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे एक्स, यहाँ पे क्या है यानी सिक्स प्लस सिक्स, एक्स इक्वल टू क्या होगा सिक्स माइनस थ्री इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे थर्ड लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे यानी कि इसका आईपीसी नेम क्या होगा हेक्सासाइनो पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट पोटेशियम पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट फेरेट, यहाँ पे क्या थर्ड, ये क्या रहा आपका इसका नॉमेनक्लेचर रहा। और इसके बाद हम नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर का एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं CONH3 का होल फाइव, क्या था CONH3 का होल सिक्स CONH3 का होल सिक्स Cl3 CONH3 का होल सिक्स Cl3, यही आपका पार्टनेशन कंपाउंड है, इसी का हमको क्या करना है नॉमेनक्लेचर करना है, इस प्रकार से ब्रैकेट में पूरा लिखा गया है। अगर इसके नॉमेनक्लेचर की बात करें तो आप लोग जान ही रहे हो, सिंपल है ना, यहाँ पे लिंगेज क्या है एमीन है, यानी कि हेक्साइमीन कोबाल्ट कोबाल्ट, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा तीन आएगा, यानी कोबाल्ट थर्ड, उसके बाद क्या होगा कोबाल्ट थर्ड, लास्ट में क्या है क्लोरीन है तो क्लोराइड लगा देंगे, देख लें यहाँ पे, यानी कि हमेशा ये क्या है न्यूट्रल लिंगेट्स है, यहाँ पे इस एमीन जोड़ेंगे, यानी कि हेक्सा एमीन कोबाल्ट हेक्सा एमीन कोबाल्ट, उसके बाद क्या है इसका ऑक्सीडेशन नंबर थ्री आएगा, यानी कि थर्ड ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग निकाल लेंगे एक्स मान कर लिए, सिंपल है थर्ड क्लोराइड कैसे आया ये भी बता दे रहे हैं थर्ड क्लोराइड, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है इसका जीरो होगा इधर तीन दिया ही गया है, इस वजह से ऑक्सीडेशन नंबर तीन आएगा, वही चीज़ हमने बताया एक्सा अमीनो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, इसका क्या है नॉर्मल क्लेचर है